हेलो गाइज, नमस्ते, राम राम जी। मैं रवि, आप देख रहे हैं फेमस रवि यूट्यूब चैनल। गाइज, फिलहाल इस वक्त मैं करनाल और करनाल रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ, अभी आप देख सकते हैं। और करनाल रेलवे स्टेशन के मैं अंदर नहीं खड़ा हूँ, मैं इसके बाहर एक पार्क है वहाँ पर खड़ा हूँ, इसको रेलवे पार्क कहा जाता है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर वैसे ही आ गया था, मेरा घर मन नहीं लग रहा था, मैं कहीं जा भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसे ही आ गया भाई, मैंने सोचा यार मैं फ्री हूँ, ठीक है, और मैंने सोचा कहीं चलते हैं। मैं घर से डिसाइड भी नहीं करके आया कि मैं कहाँ जाऊँगा, और अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं पानीपत की तरफ चला जाऊँ, ठीक है। मतलब कि कुछ भी कर लेंगे यार, ठीक है। मुझे पक्का नहीं पता कि क्या होने वाला है इस व्लॉग में, मैंने ऐसे ही रैंडमली स्टार्ट कर दिया ये व्लॉग। और आप देख सकते हैं अभी मैं यहाँ से टिकट लूँगा, मेरा रिचार्ज ख़त्म हो रखा है, ठीक है, वरना मैं फ़ोन से बुक कर लेता। मेरे फ़ोन में अभी कुछ भी नहीं है, ना किसी की रिप्लाई कर पा रहा हूँ भाई मैं। मेरा रिचार्ज ख़त्म हो रखा है, मैं बाद में कर लूँगा रिचार्ज। अभी मुझे इन सीढ़ियों से ऊपर जाना है, ठीक है, और स्टेशन के अंदर मैं टिकट ले लूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि कुरुक्षेत्र में चला जाऊँ, मतलब कि वहाँ पर घूम फिर लेंगे, ठीक है, आपको दिखा देंगे वहाँ पर। और यह सोच रहा हूँ फिर मैं पानीपत की तरफ चला जाऊँ, ठीक है। मैं देखता हूँ, डिसाइड करूँगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी देर बैठकर सोचकर, एक्सरसाइज यहाँ पर मैं नहीं करूँगा, बहुत गर्मी हो रखी है पहले ही भाई। मैं टिकट ले लेता हूँ एक बार, या पानीपत की लूँगा या फिर कुरुक्षेत्र की लूँगा, ठीक है, आपको बता दूँगा कौन सी लूँगा। वहाँ पर टीटी भी खड़े हैं, इसलिए मैं साइड में होकर आ गया यार, वरना टोक भी देते हैं ऐसे, टिकट का है तुम्हारी, टिकट का है तुम्हारी, तुम ऐसे ही रेलवे स्टेशन के अंदर एंटर कर रहे हो, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ टिकट काउंटर पर और वहाँ से टिकट लेके आते हैं। मैं सोच लेता हूँ पहले कहाँ जाऊँगा। भाई मैं सीढ़ियों से चढ़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं, और अंदर को जाऊँगा, मैं बाहर को नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे वाईफाई कनेक्ट करना है अभी रेलवे का। मुझे अभी याद आया मैं आधे घंटे के लिए रेलवे का वाईफाई कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपका इमरजेंसी है ना, तो आपको सिर्फ OTP भरना है, रेलवे का आपको नेटवर्क मिल जाएगा, ठीक है, और आप यूज कर सकते हैं। आपको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो भाई, कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी हो, ठीक है, ये ऐसे काम आता है रेलवे का वाईफाई। तभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो मेरा करनाल का स्टेशन है सारा का सारा, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं पानीपत की लूँगा यार, कोंड जाऊँगा मैं, ठीक है, मेरा कोई रहता है कोंड में। तो गाइज अभी आप देख सकते हैं मैं करनाल रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, और मुझे भाई मिल गया। कौन से गांव से हो भाई? भाई डचर। अच्छा, डचर से, मेरे गांव के आसपास ही है, ठीक है। क्या करने जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? भाई नकोदर जाऊंगा। कहाँ पर? नकोदर। यू कड़ा से है भाई? जलंधर। अच्छा जलंधर, क्या करने जाओ? भाई दो घुमाण जाओ। अच्छा दो घुमाण जाओ, आपके साथ कौन कौन है? भाई है। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है भाई, मिलकर खुशी हुई भाई तो बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब मैं टिकट लेने जा रहा था तो भाई रास्ते में मिल गया मुझे, चलो ठीक है भाई, फिर टिकट ले आऊँ मैं भी। गाइज अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं अमृतसर न्यू दिल्ली शताब्दी आ चुकी है भाई, और ये कोंड नहीं रुकेगी, ये पानीपत रुकेगी सीधा, तो मैं इसलिए इसमें जा नहीं सकता। मैं जाऊंगा मेमू एक्सप्रेस में जो कुरुक्षेत्र से चलकर आएगी, ठीक है। अगर मैं करनाल की बात करूँ ना, तो इसमें करनाल में ज़्यादा भीड़ नहीं होती, आप जनरल कोच में बैठ सकते हैं, जनरल कोच में इतनी भीड़ नहीं है, मुझे खाली दिख रहे हैं सारे के सारे जनरल कोच है। इसमें लगभग 4 जनरल कोच है, ठीक है, 2 पीछे होंगे और 2 आगे होंगे, सही है वैसे यार। बाकी कोई ट्रेन जो पश्चिम एक्सप्रेस है ना, वो जो मुंबई की तरफ से आती है शायद, वो पूरी भर के आती है यार सच में। ये तो न्यू दिल्ली जाती है, इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है इसमें, वरना पश्चिम एक्सप्रेस में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है भाई, आप उसमें मत आना। और मेरी ट्रेन तो लगभग 1.5 घंटे में आएगी, मैं यहाँ पर अभी टाइम पास कर लूँगा, ठीक है, आपके साथ वो लोग बना लेंगे। अच्छा अच्छा सर, ठीक है, टाइम पास कर लेंगे। मैंने कोंड की टिकट ले ली है, और पता क्या, अगर आप करनाल से पानीपत की टिकट लेते हैं वो भी 30 रुपये की मिलती है, अगर आप कोंड की टिकट लेते हैं वो भी 30 रुपये की मिलती है। देख लो यार क्या सिस्टम है, मतलब कि किराया कम नहीं होता। चलो कोई बात नहीं गाइज, अभी आप देख सकते हैं मैं करनाल के रेलवे पार्क में हूँ, जहाँ पर मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, ठीक है। मैं टिकट ले आया था भाई वहाँ से, और आप देख सकते हैं ये टिकट है मेरी। और आपको टिकट के बारे में थोड़ी जानकारी दूँ ना, तो मतलब इसको जनरल टिकट कहा जाता है, ठीक है, सबसे पहले तो ये बात है। और भाई इसमें PNR नंबर नहीं होता, PNR नंबर उस टिकट पर होता है जो रिजर्व करवाई जाती है। कोंड यहाँ से 23 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है, इतना ही है। और अभी मैं चला जाऊँगा लगभग 1 घंटे में, 1 घंटा रह गया ट्रेन आने में। अभी मैं यहाँ पर खाना पीना खा रहा था, अब देख सकते हैं मैं वहाँ से लेके आया था ये थम्सअप और नमकीन लेके आया था। और मेरे साथ पता क्या हुआ, मैं काउंटर से टिकट ले रहा था अपने वाली ये, और एक लड़की आई पीछे से, बोली एक्सक्यूज़ मी भैया, मैंने कहा कि हाँ बोलो, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको PayTM कर देती हूँ, ठीक है, पैसे, और आप मुझे कैश दे दो, मुझे टिकट लेनी है न्यू दिल्ली की। तो मैंने उसको दे दिए, और मैं उसको बोल भी रहा था आप रहने दो, PayTM क्यों कर रहे हो, कोई बात नहीं, इतना चलता है, इतना तो इंसान अच्छा हूँ मैं। तो उन्होंने दे ही दिए यार मुझे, तो चलो कोई बात नहीं, आपको मैं जो जो हुआ मेरे साथ वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो भाई ऐसे मैं मदद कर देता हूँ कई लोगों की, और अगर आपको मैं सच्ची सच्ची बताऊँ ना, मैं बताना तो चाहता नहीं, आप सोचेंगे क्या पता सोफ कर रहा है, मतलब कि मैं यार कोई भी मिलता है ना मुझे जैसे स्टेशन पर, कोई भी बेचारा बूढ़ा बैठा हो, कोई भी बैठा हो, तो मैं उसकी मदद कर देता हूँ, कुछ पैसे दे देता हूँ मैं यार उनको, मुझे अच्छा लगता है, मुझे दिल से ही अच्छा लगता है सच में यार, ऐसी 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 चीज़ें करने के लिए पैदा हुआ हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, मैं घमंडी नहीं हूँ यार, मुझे अच्छा लगता है दान देते हुए, मतलब कि कोई बैठा हो यार तो मैं उसको पैसे वगैरह दे देता हूँ, ऐसे ही मैं मन उसके चेहरे से ही पहचान लेता हूँ बंदा कैसा है, ठीक है। और कहीं ऐसे ही मिल जाते हैं आप लोगों को कि वो जानबूझकर मांग रहे होते हैं,
आपको ऐसे ऐसे ही मिलेंगे स्टेशन पर, वो बोल रहे होंगे कि मेरी टिकट, मेरे पैसे खो गए हैं और भाई मुझे पैसे चाहिए, तो उन लोगों से बच के रहा करो, क्योंकि उनका ऐसा ही काम होता है, जो असल में जिसको असल में नीड है ना उसको पे किया करो, ठीक है। मैं ये बताना चाहता था आप लोगों को। तो चलिए फिर मैं स्टेशन के अंदर चलता हूँ, मैं इसलिए बैठा था, धूप नहीं है यहाँ पर लेकिन गर्मी ज़रूर है, ठीक है। मैं पंखे के नीचे चलता हूँ क्योंकि मैं पसीने से भर गया हूँ भाई अंदर ही अंदर, मैंने ब्लैक टी शर्ट ही पहन रखी है, ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है गर्मी। और गाइस अभी मुझे सुनने में आया कि राजू पंजाबी की डेथ हो गई है भाई, मेरे पास हर्ष का फ़ोन आता मेरे भाई का, तो वो बता रहा था यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है सच में सुनकर, पता नहीं कैसे। और मुझे ये भी नहीं पता कि कौन से गाँव का है वो, मैंने एक बार गाँव का नाम सुना था उसके, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि कौन से गाँव का है। चलो मैं पक्का कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है ना, तो इसलिए मैं बाहरी दुनिया से अलग हो रखा हूँ अभी, मुझे कुछ नहीं पता क्या चल रहा है, ठीक है। मैं अपने ब्लॉगिंग में मस्त हूँ, बस मैं कैमरा निकाल रहा हूँ फ़ोन का, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में भाई कि क्या चल रहा है वहाँ पर, और उसका मैंने सुना कि आज उसका 3 बजे अंतिम संस्कार भी है, तो चलो मैं देखता हूँ भाई रेल का वाईफाई कनेक्ट करके देखता हूँ दोबारा से अगर कनेक्ट हो गया तो, बाकी अभी कनेक्ट तो होगा नहीं क्योंकि मैंने आधा घंटा उसको यूज़ कर लिया। चलो देखता हूँ मैं, मुझे कुछ पता चलता है या नहीं पता चलता है। गाइस अभी आप देख सकते हैं मैं करनाल के स्टेशन के अंदर आ चुका हूँ, अभी आप देख सकते हैं पीछे एक गुड्स ट्रेन खड़ी है और इसका इंजन भी बहुत ही पावरफुल है, ये WAG 12 है शायद, बहुत ही पावरफुल इंजन होता है भाई ये। गाइस अभी मैं कुछ दिन पहले मैं पानीपत से आया था, ठीक है, करनाल की तरफ आया था, और मैं ये सोच रहा था कि मैं कुरुक्षेत्र की तरफ से आया हूँ, ठीक है। मैं इतनी नींद में था उस टाइम, देख लो यार मेरे साथ पहली बार हुआ था ये सब, मैं इतनी नींद में था, मुझे ये भी नहीं पता था मैं कुरुक्षेत्र से आ रहा हूँ या पानीपत से आ रहा हूँ, देख लो। और मैं सोच रहा हूँ देखो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई गाड़ी, लेकिन भाई प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई, क्योंकि पानीपत से आ रही है तो 3 पर ही आएगी, ठीक है, और 2 पर आएगी, 1 पर आने का तो कोई काम ही नहीं बनता। देख सकते हैं भाई पीछे खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर वंदे भारत, अगर वंदे भारत करनाल रुकने लग गई तो बहुत मजा आ जाएगा भाई, हम तो करनाल स्टेशन पर वंदे भारत को सिर्फ पेंट ही कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। रैपिड मेट्रो भी चलेगी यहाँ पर करनाल में, नई दिल्ली से और करनाल तक रैपिड मेट्रो चलने वाली है, क्या पता कुरुक्षेत्र तक भी चल जाए, क्योंकि भाई महाभारत की नगरी है वो, ठीक है। वैसे आने वाले टाइम में भाई बहुत सुधार होने वाला है, मैं पढ़ता रहता हूँ रेलवे की खबर वगैरह, ठीक है, जितना अपना ध्यान रखता ना उतना ही रेलवे का ध्यान रखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है इस लाइन में यार सच में। गाइस मैंने यूट्यूब पर लगभग 450 वीडियो डाल दी है भाई, और एक वीडियो चढ़ रखी है मेरी लगभग 12,000 पर चली गई है, वो मैं कुआदाम गया था ना वहाँ पर राजस्थान में, वो चढ़ रखी है मेरी अच्छी तरह, लेकिन वो भी लोगों ने पूरी नहीं देखी और वो उस टाइम मेरा होन रखा भाई अगर मेरी वीडियो पूरी देख ली लोगों ने, ठीक है, और लगभग 20-25,000 पर चली गई, तो मेरा वो उस टाइम कंप्लीट हो जाएगा और बहुत मजे आ जाएंगे सच में यार। चलो कोई बात नहीं, मैं वेट करता रहता हूँ, हो जाएगा मेरा वो टाइम भी। मैं उन लड़कों में से हूँ जो सिर्फ मेहनत करना जानते हैं बस, बाकी कुछ नहीं पता मुझे भाई सच में, मैं ना किस्मत पे विश्वास करता, बस मैं मेहनत पे विश्वास करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा, ठीक है ना, मेहनत करते रहना चाहिए बस, मुझे ये पता है, ठीक है। किसी ने बताया था, किसी बड़े आदमी ने बताया था, हमारे टीचर्स ने बताया था, कॉलेज के टीचर्स ने बताया था भाई कि सिर्फ मेहनत आपके हाथ में, इंसान के हाथ में सिर्फ मेहनत है, बाकी वो कुछ नहीं कर सकता, देने वाला भगवान है सिर्फ, हम एक गॉड को मानते हैं ना तो हमारे अंदर ही होते हैं, हम कहते हैं ना एक परमात्मा, परम का मतलब पता क्या होता, अपनापन, और आत्मा मतलब था अपनी आत्मा, यानी कि अपनी ही आत्मा, हम अपनी आत्मा को भगवान कहते हैं, देख लो यार, इसलिए आप मेहनत किया करो, ठीक है। और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ भाई, देखते हैं रिजल्ट कब मिलेगा, कोई बात नहीं है, वैसे अभी काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा काम भी चलाना आने वाले टाइम में, बन जाएगा सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस जब मैं कहीं आता जाता हूँ ना तो कुछ लोग पूछते हैं कि भाई पढ़ाई छोड़ दी या पढ़ाई कर रहे हो, तो भाई मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसे, मुझे कोई पूछता ना कि पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि पढ़ाई कभी मेरी जान हुआ करती थी यार सच में, मैं इतना मुझे पढ़ना बहुत पसंद था सच में, आप लोगों को बता रहा हूँ मैं, मुझे पढ़ना अभी भी पसंद है, लेकिन मैं ऐसी लाइन में चला गया हूँ यार कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाता अभी, मैं सरकारी नौकरी भी लग जाता, सरकारी नौकरी इतनी बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, बस आप ये मान लो मैं किसी एक सब्जेक्ट में कमजोर हूँ और मैं उसकी वजह से सरकारी नौकरी नहीं लग पाया भाई, देख लो, ठीक है, कुछ ऐसा होता है, इसलिए मुझे बुरा लगता है कि कोई मुझसे पूछता कि पढ़ाई छोड़ दी भाई, ठीक है। मैंने बीए कर रखी है, कई लोग मेरी क्वालिफिकेशन पूछते हैं इंस्टाग्राम पर ही पूछते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने बीए कर रखी है और लगभग 67% मार्क्स मेरे आए हुए हैं, शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं, मुझे पक्का ध्यान नहीं आ रहा अभी। आज मैंने आप लोगों को मेरी पूरी ज़िंदगी के बारे में बता दिया, देख लो मैं किसी स्टेशन पर खड़ा हूँ जहाँ पर मुझे भारतीय रेलवे के बारे में बात करनी चाहिए मैंने आज आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बता दिया, और आज आपको मेरा मूड भी अलग मिलेगा थोड़ा सा, मतलब कि आपको मेरी आवाज़ में एक्साइटमेंट नहीं मिलेगी आज, पता नहीं क्या हो रखा है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ यार मेरी आवाज़ ही थोड़ी दब गई आज, पता नहीं, चलो कोई बात नहीं यार, होता रहता है ज़िंदगी में, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, ठीक है। देख सकते हैं भाई मैं खड़ा हूँ यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 वो प्लेटफॉर्म है जो मेरा सबसे खास है, क्योंकि इसी लाइन से माँ वैष्णो की ट्रेन जाती है, और हमारे करनाल से पता है आपको बताना चाहता हूँ, हमारे करनाल से जम्मू मेल जो 10:26 पर करनाल आ जाती है, और एक है भाई मालवा एक्सप्रेस जो सुबह जाती है लगभग 7-8 बजे जाती है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, वो इसी लाइन से जाती है,
और मैं वैष्णो देवी जाने वाला हूँ भाई दोबारा से, वहाँ पर आपको मिनी व्लॉग भी दूंगा मैं अच्छे अच्छे, क्योंकि मैंने वहाँ पर मिनी व्लॉग नहीं बनाए, क्योंकि लॉन्ग व्लॉग तो बना रखे हैं मैंने, ठीक है। मैं आपको, मैं भी जाऊँगा नवरात्रि आने वाले हैं, ठीक है। अगर किसी को साथ चलना तो बता देना, खर्चा मैं उठा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो बहुत पसंद है वैष्णो देवी जाना, मैं पता क्या, एक बार मैं 2020 में गया था पहली बार वैष्णो देवी, मैं 2020 में गया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे जाऊंगा वैष्णो देवी। मुझे अभी भी याद है, मैं इसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा था भाई, और मैं किसी पुलिस वाले से पूछ रहा था, सर मुझे ट्रेन में कैसे चढ़ना है और मेरा कोच कहाँ पर होगा। मैं रिजर्वेशन करवा के गया था और मैंने टिकट भी किसी और से बुक करवाई थी शायद वो पहले, और मैं किसी से पूछ रहा था यहाँ पर मुझे ट्रेन में कैसे चढ़ना है, मुझे ट्रेन मिल भी जाएगी या नहीं मिल जाएगी, ट्रेन यहाँ से निकल तो नहीं जाएगी। मैं ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे मन में, पहली बार ट्रेन यात्रा करते हो भाई ऐसा ही लगता है, ठीक है। मुझे इतना ज्ञान हो गया अभी इन कामों का, मुझे आप रेलवे के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, मुझे इतना ज्ञान हो चुका है, ठीक है। और कई भाई मुझसे पूछते रहते कि भाई वैष्णो देवी जाने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सितंबर और अक्टूबर में जा सकते हैं। अगर आपको भाई नवरात्रों की भाई सजावट देखनी है जो इतनी खूबसूरत होती है, मतलब कि आपका मन मोह लेगी और आपको पूरे रास्ते चलते चलते थकान भी महसूस नहीं होगी, आपको इतनी अच्छी अच्छी सुंदरता दिख जाएगी, ठीक है, तो आप सितंबर अक्टूबर और नवंबर में जा सकते हैं। दिसंबर में जाओगे तो भाई तो समझ लेना कि आप घर से बहुत सारे कपड़े लेके गए हो, ठीक है, और भाई आप स्लीपिंग बैग लेके गए हो, ठीक है, अच्छे तरीके से जाना। अगर दिसंबर जनवरी फरवरी में जा रहे हो तो ये इतने इतने ठंड के महीने हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है भाई, बर्फ ही बर्फ हो जाती है पहाड़ों पर, ठीक है। मैं सबसे पहली बार गया था, मैं दिसंबर में गया था और रात को यहीं से मेरी ट्रेन थी, वो थी मेरी पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो जम्मू तवी तक जाती है, मैं जम्मू तवी से फिर बस में गया था। और मैंने फिर बस में पूछा था उन लोगों से कि मुझे लेह भी जाना, मेरा लेह जाने का मन हो गया, देख लो वहाँ पर जाकर, और लेह में इतनी ठंड हो रखी थी उस टाइम। अगर आपको बुलाना नहीं चाहती ना तो आपकी वो टिकट है ना वो भी कैंसिल हो जाएगी, मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, ठीक है। मैंने मेरे पूरे परिवार की टिकट बुक की थी, हर्ष की, मेरी, मेरे मम्मी की, ठीक है, तीन लोगों की टिकट बुक की थी, और भाई वो टिकट देख लो हमें कैंसिल करनी पड़ गई, हमारी टिकट बिल्कुल कंफर्म थी और मैंने वो टिकट कैंसिल कर दी, पता नहीं क्या कारण रहा, देख लो यार ऐसे ऐसे भी होता है। अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं ना तो समझो आपको वहाँ पर माता बुला रही है, आप ऐसे नहीं जा सकते, ऐसा स्थान है वो, देख लो। चलो भाई मेरे फ़ोन में अभी 40% बैटरी रह गई है, ठीक है, मुझे चार्ज लगाना पड़ेगा, ट्रेन आने में लगभग 40 मिनट बाकी रह गई है, और मैं एक बार चार्ज लगा लेता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, मैं चार्जर लेके चलता हूँ, ठीक है। मेरे पास दो चीज़ें हमेशा होंगी, मेरा फ़ोन और मेरा चार्जर, ठीक है, ये चीज़ें मेरे पास हमेशा होंगी, और मेरे पास कैश होता नहीं यार ज़्यादातर, ठीक है, कैश भी मैं थोड़ा बहुत रखता हूँ, कभी कोई लूट नहीं आ जाए मुझे, ठीक है, मैं हमेशा अपना पेटीएम में रखता हूँ जो कुछ रखता हूँ। और अभी मैं, ठीक है, मैं चार्ज लगा लेता हूँ, मुझे सभी लोग देख रहे हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, बंदा कब का बोल रहा है यहाँ पर, मैं आपसे कब का बात कर रहा हूँ यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, आप मेरी बातें सुना करो, ठीक है, मैं जो कुछ बोलूँगा अच्छा ही बोलूँगा, आपकी लाइफ में काम भी आएगा, ठीक है, मैं बकचोदी नहीं करूँगा। चलो मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चलता हूँ, चार्ज लगा लेता हूँ फ़ोन और कुछ खा पी लेता हूँ दोबारा से, ठीक है, जेब में थोड़े पैसे पड़े हैं, और मैं ईयरफोन लेके आ गया हूँ, मैंने सोचा था कि बस में गाने सुनता जाऊँगा, ठीक है, एयरपोर्ट्स ले रखे हैं मैंने अपने, और मुझे बाद में याद आया कि मेरे पास तो नेट ही नहीं है भाई, मेरा फ़ोन बिल्कुल कैमरा चलता है बस इसमें और कुछ नहीं चलता, अभी मैं देख लो कुछ भी नहीं चला रहा हूँ। मैं आपके साथ आज इतनी सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में नेट नहीं चल रहा, अगर मेरे फ़ोन में नेट चलता ना तो मैं अपने नेट में बिजी हो जाता, किसी की रिप्लाई करने लग जाता कुछ भी, क्योंकि मैं हर बंदे की रिप्लाई करता हूँ भाई इंस्टाग्राम पर, ठीक है, कोई नहीं करता होगा इतने ज़्यादा रिप्लाई, मैं सबसे ज़्यादा रिप्लाई करता हूँ। अगर आप मेरी जनरल चैट स्क्रॉल करोगे ना तो भाई स्क्रॉल भी नहीं होगी, इतनी ज़्यादा चैट हो चुकी है। और प्राइमरी में मैं उनको रखता हूँ जिनके साथ मेरी जान पहचान है, ठीक है, इंस्टाग्राम में 3 ऑप्शन होते हैं, प्राइमरी, जनरल और रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट तो पड़ी रहती है जो पड़ी रहती है, और जनरल वो होती हैं जिनको मैं, जो मुझसे ऐसे ही बात करते हैं, रैंडमली बात करते हैं, कुछ पूछते हैं, मैं उनको जनरल में रखता हूँ, जो मेरे खास बंदे हैं उनको मैं प्राइमरी में रखता हूँ, ठीक है। गाइज अभी आप देख सकते हैं मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ भाई, यहाँ पर आ चुके हैं मेरी ट्रेन करनाल स्टेशन पर, और अभी मुझे पानीपत जाना है, ठीक है, मैं कोंड नहीं जाऊँगा भाई, पता क्या है मैंने कोंड की टिकट ले रखी है और मैं पानीपत जाऊँगा। मैं सोच रहा था भाई कोंड से फिर मैं घर कैसे जाऊँगा, ठीक है, कोई बस नहीं मिलेगी मुझे, तो मुझे पानीपत से बस मिल जाएगी, कोई बात नहीं, कोंड हम क्रॉस करेंगे, ठीक है, कोंड से होकर ही जाएंगे। हॉर्न दे दिया ट्रेन ने, तो गाइज अभी आप देख सकते हैं मैं पानीपत आ चुका हूँ भाई, यहाँ से पानीपत के बस स्टैंड पर जाऊँगा और पानीपत के बस स्टैंड से फिर असंध के बस स्टैंड पर जाऊँगा, असंध से फिर पुलाना गांव में चला जाऊँगा, ठीक है, और अभी मैं लिफ्ट से चलता हूँ, ठीक है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाता हूँ, ये लिफ्ट दिख रही है ना सामने, लिफ्ट से जाऊँगा, यहाँ पर पानीपत में लिफ्ट की सुविधा है, हमारे करनाल में नहीं है।